हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं और चॉप आ चुके हैं एक और वीडियो में इनसाइड ट्रेल मेकर्स। और गाइस मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पीछे में बैकग्राउंड में जो प्लेन है आखिर इसका क्या काम है। तो पहले मैं आपको प्लेन के पास ले चलूं, उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पहला ये कि ये समुद्र कितना खूबसूरत है यार, और दूसरा कि हमें वो जो प्लेन है गाइस उसे आज इस आग के जो गोले है इसके बीच से लेकर के जाना है और फ्लाई करते हुए ले जाना है। आज का चैलेंज ये है, मेरे और चॉप दोनों को गाइस 10 से 20 मिनट का समय मिलेगा या आधा घंटा भी, डिपेंडिंग किसको ज्यादा समय चाहिए। और उसमें हम लोगों को एक फाइटर जेट रेडी करना है, ठीक है चॉप? फर्स्ट भाई, लेकिन ये प्लेन कौन सा है भाई? अबे ये सैंपल प्लेन है ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि आखिर हम लोगों का प्लेन कैसा होगा और कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तू श्योर है तू ऊपर खड़ा होना चाहता है? फर्स्ट भाई डेंजर तो लग रहा है, लेकिन क्या करूं भाई, मौत के आगे जीत होती है। अबे मौत के आगे मौत होती है भाई, जीत कहां से हो जाएगी? ओ शिट, अपन लोग क्रैश करेंगे। ओ भाई क्या निकाल दिया। ओपी इन द चैट कर दो गाइस, अभी कर दो, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ, और ये क्या भैंस, क्या तू ऊपर कैसे उड़ गया? I mean, एकदम स्ट्रेट मुंह करके जा रहा था। एनीवेज गाइस ये एक सैंपल प्लेन है, तो आपको तो पता ही होगा कि अपन लोग इसको क्रैश कर देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन प्लेन जो है वो मैटर करता है गाइस। सो लेट मी जस्ट मेक श्योर कि अपन लोग इसको फोड़ दें हमेशा की तरह। बहुत बढ़िया, एंड अब तो पक्का नहीं जाने वाली है ये ऊपर। और ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऑलराइट गाइस, तो अब यार बहुत ज्यादा मस्ती हो गई, हम लोगों ने अपने अपने प्लेन को रेडी कर लिया है और टाइम है अब आप लोगों को दिखाने का कि आखिर में मैंने रेडी क्या किया है। तो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फ्रॉस्टी भाई यार एक बार तो दिखाओ क्या बनाया है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ है। तू कब आएगा? फ्रॉस्टी भाई आपको तो पता है यार लैंडिंग करना कितना मुश्किल है भाई। अबे कोशिश करता रहे, एक दिन तू भी एक बार में पहुंच जाएगी, देखो। अबे चलते चलते कौन गिर जाता है। ओके सो फाइनली गाइस हमारे दोस्त ने यहाँ पर लैंडिंग कर दी है। तो चॉप मेरे दोस्त, पहले तू दिखाना चाहता है या मैं दिखाऊं? फ्रॉस्टी भाई मैं बोलता हूँ पहले आप दिखाओ भाई। अच्छा ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है, तू क्यों नहीं दिखाना चाहता? फ्रॉस्टी भाई मेरा प्लेन आपसे ज्यादा बेटर है इसीलिए। अच्छा वो अपन लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अभी के लिए यार मैं अपना प्लेन आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन प्लेन दिखाने के पहले मेरे को गाइस यहाँ पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा अपने रनवे पर जहाँ पे हम लोग स्पॉन करेंगे। सो लेट्स गो एंड फटाफट से प्लेन को करते हैं स्पॉन। ऑलराइट गाइस दिस इज माय प्लेन, कैसा लगा आपको जरा कमेंट में बता देना यार। और ये भाई हमारा डिजाइन है, काफी ज्यादा कूल डिजाइन है। मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस प्लेन को बनाया है, और एक F-15 रैप्टर टाइप मैंने इसको लुक दिया है गाइस, फाइटर जेट टाइप। फर्स्ट भाई फाइटर जेट का ही चैनल था भाई। अबे चैनल नहीं, चैलेंज होता है। और हाँ वैसे चैलेंज फाइटर जेट का ही था। आगे भी मैंने मेक श्योर किया है गाइस कि हम लोग एयर इनटेक के लिए जगह रखे जैसे एक रियल फाइटर जेट में होती है। और एरोडायनामिक्स तो इस प्लेन के क्या ही बताओ, एकदम झकास है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली है गाइस इस प्लेन को बनाने में, क्योंकि मेरे को फिजिक्स का उतना नॉलेज नहीं है। और इस प्लेन के अंदर काफी सारे पंखे लगे, इनफैक्ट भाई मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, बूस्टर लगाने में मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन फाइनली काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मेरे को सही तरीका मिल गया गाइस, और अब ये प्लेन चलती नहीं है, लिटरली हवा से बात करती है। जी हाँ, एक बार हवा में इसको ले जाके तो देखो यार मजे आ जाएंगे, इतना मजा आएगा कि आप यार इस प्लेन को छोड़ना नहीं चाहोगे। फर्स्ट भाई ये क्या अजीब सी चीज है, इसके अंदर चिपक गया भाई मैं। अबे ये क्या कर रहा है तू, मेरी प्लेन में क्यों अटक गया? और वैसे इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर इसका नाम शायद टेल बोला जाता है इसको गाइस, एयरप्लेन का टेल। और सही में भाई इसके अंदर तो कोई भी बंदा अटक जाएगा। एक कूल चीज दिखाता हूं गाइस, आई दबाने पर ना ये खुल जाता है, देख रहे हो, एकदम फाइटर जेट के जैसा जो असली फाइटर जेट्स होते हैं। और चॉप जरा बीच में जाइयो एंड यहां पर अपन लोग बंद कर देंगे इसको। फर्स्ट भाई ये क्या कर रहे हो भाई, आपका तो पूरा प्लेन क्रैश कर जाएगा ऐसे। अबे 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 ओ भाई 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 पूरा प्लेन ही क्रैश कर जाता है जेन्युइनली में गाइस, चिंगारियां निकलने लगी थी। एक बार फिर से आई हो भाई अंदर एंड अबे तोड़ दिया तेरी तो भाई सारा पार्ट टूट गया अपन लोग का। ऑलराइट इनफ एक्सपेरिमेंटिंग गाइस, अब टाइम है इस प्लेन को फाइनली ले जाकर के एक बार टेस्ट करने का। और चॉप क्या तू रेडी है, तू उसी को अपना सीट बनाना चाहता है क्या? फर्स्ट भाई मैं इसको अपना सीट नहीं बनाना चाहता भाई, बहुत डेंजरस लग रहा है ये जगह मेरे को। अच्छा ठीक है गाइस, तो एक बार फाइनली अपन लोग इसको यहाँ पर जा देते। अबे शिट मैंने फायर क्यों कर दिया, अबे फायर नहीं करना, रुको एक सेकंड। ऑलराइट गाइस वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ, यहाँ पे इंजन कर दिया है ऑन मैंने एंड नाउ इट्स टाइम कि हम लोग निकले। और ओ भाई कितनी जबरदस्त लग रही है ना हमारी प्लेन, एकदम झकास है यार। और ये देखो मैंने पीछे से अपना टेल भी खोल दिया है, अब प्रॉपर एयर डायनामिक्स होंगे। मैं चक्के भी अंदर ले चुका हूं गाइस अपनी प्लेन करके, और भाई अब जितना भी एयर हमारे तरफ आएगा सब हमारी इंजन के थ्रू होकर के जाएगा, और हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भाई बहुत ज्यादा स्पीड मिलने वाली है। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या सर्कल के अंदर से जा पाऊंगा मैं। मर गया, शिट मैन, पहला अटेम्प्ट तो गाइस बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है मेरा, लेकिन अभी भी कोशिश जारी रहेगी दोस्तों, टेंशन क्यों लेते हो? फर्स्ट भाई मैं आपको पीछे से देख रहा था, बहुत बुरी तरह ठुके हो भाई, आपका हड्डी वड्डी ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं, बस वो एक दो हड्डी मेरे दांत में घुस गई, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग फिर से ट्राई कर लेंगे, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। और चॉप अगर तेरे को जाना है तो तू चला जा, इस बार मैं अपने लिए दूसरी स्पेसशिप यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और गाइस अब टाइम है दोनों भाई मिलकर स्पेसशिप चलाएंगे। ऑलराइट फर्स्ट भाई मैंने इंजन ऑन कर दिया, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ओके लेट्स गो, टेक डाउन फिर से, आई मीन टेक ऑफ कर रहे, टेक डाउन
डाउन थोड़ी कर रहे, और यहाँ पर यार एकदम फॉर्मेशन में फ्लाइंग करेंगे। अगर ये हग ना दे तो आप तेरे को बोला ना अभी मत हग। यार इसको 2 सेकंड में क्या चर्बी चढ़ी है, रुको इसको अपने मिसाइल से मारता हूँ मैं। फ्रॉस्टी भाई मेरे धुएं से हट जाओ नहीं तो आपका प्लेन काम करना बंद कर देगा भाई। ओ अच्छा तू रेडिएशन छोड़ते हुए जा रहा है, ऐसे बोल रहा है। अबे अबे आराम से भाई, पानी में मत घुस जाइयो, बहुत महंगी प्लेन है। फ्रॉस्टी भाई तो आपने कौन सा पैसा दिया बनाने के लिए? अबे पैसा नहीं मेहनत लगी है यार, ऐसे मत बोला कर। ओ भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये नजारा जो है। अरे 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 भाई हर बार पत्थर कैसे मार देते हैं मेरे को। फ्रॉस्टी भाई आपके किस्मत में उड़ना लिखा ही नहीं है भाई। अबे किशमिश खा ले तू जाके, किस्मत में नहीं उड़ना लिखा है। देख रहे हो भाई डिस मारता है, मेरा प्लेन लेता है मेरे प्लेन के सामने डिस मारता है और पता नहीं कहां ही उड़ गया। अबे तेरे को कंट्रोल करना आता भी है ये प्लेन? फ्रॉस्टी भाई मेरे को सिर्फ एक्सेलरेटर देने आता है, लैंडिंग नहीं करने आता है भाई। आई थिंक गाइस हमारे प्यारे चॉप का बैंड बजने वाला है, तो रेडी हो जाइए क्योंकि उस नजारे को देख के मेरे को बहुत मजा आएगा। ओके हमने अपनी प्लेन को दोबारा स्पॉन कर दिया, एक लास्ट ट्राई करते यार, अगर इस बार मैं लैंड कर गया अंदर से तो ठीक है, नहीं तो फिर यू नो अपनी किस्मत में था ही नहीं भाई। लेकिन मेरे को मानना पड़ेगा यार, मैंने प्लेन तो बहुत अच्छी बनाई लेकिन अंदर से जा क्यों नहीं रही है। फ्रॉस्ट भाई आपके प्लेन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, मेरे को लेकर क्रैश कर देगी यार भाई। अरे तू उड़ा भी तो वैसे ही रहा है, ओए और नीचे से ले जा। ऑलराइट गाइस आई थिंक अपन लोग यहाँ पे फिर से क्रैश करेंगे। चलो अपन लोग अपनी प्लेन को रेट करते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं यार चॉप की प्लेन की तरफ, क्योंकि मेरे को देखना आखिर चॉप ने ऐसा बनाया क्या है भाई जिसको देख करके अपन लोग को भाई वो जेलस करना चाहता है। सो लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस तो अब चॉप करेगा अपनी प्लेन को यहाँ पर स्पॉन, जल्दी से कर दे भाई, दिखा दे मेरे को भी आखिर तूने बनाया क्या है। और मेरे सब इंतजार नहीं किया जा रहा है, खोलना जल्दी। फ्रॉस्ट भाई ये देखो मेरा प्लेन भाई। अबे ये क्या बना दिया, इतना कूल कैसे लग रहा है, और तू अपना रेड कलर फॉलो नहीं करेगा इस बार? फ्रॉस्ट भाई मैंने सोचा हर बार रेड रखने का कोई पॉइंट नहीं है तो इस बार अपन लोग कलर को थोड़ा बदल देते हैं। ओरे भाई साहब ये क्या है बे? अबे तेरा प्लेन खुल जाता है भाई पूरा। फ्रॉस्ट भाई किसके परमिशन से आप छूछा कर रहे हो यार मेरे प्लेन के अंदर? अबे रुकना, मेरे को एक्चुअली में गाइस देखना है कि क्या मैं यहाँ पर फिट होकर के जा पाता हूँ कि नहीं। फ्रॉस्ट भाई चलो तब आपका यही इच्छा है तो आपको लेके चलता हूँ। अरे 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 सच्ची मिले। ओ मैन भाई यहाँ पे तो सच्ची में मैं जा सकता हूँ, लेकिन गाइस प्लेन फूटने वाली है और फूट गई जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि इस नूबड़े को ध्यान में नहीं है कि अपन लोग प्लेन के अंदर चल रहा है। क्या कर रहा है? फ्रॉस्ट भाई रुको एक सेकंड, रिस्पॉन्ड कर दे तो भाई। ऑलराइट गाइस तो अभी अपन लोग इस प्लेन को दोबारा से खोल देते हैं, मैं अपने पैसेंजर सीट में बैठ जाता हूँ यहाँ पर। चॉप यार तू जैसे नॉर्मल टेक ऑफ करता है वैसे करियो और कोशिश करियो कि हम लोगों को तू गिराए ना, ठीक है? फ्रॉस्ट भाई प्लेन तो यार मस्त लग रही है ना वैसे, मेरी मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है भाई। अबे हाँ प्लेन सही लग रही है, तू बंद करना शटर। ओके गाइस किसी तरीके से मैं एडजस्ट कर लूंगा, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड इलाका है लेकिन अपन लोग के लिए कोई भी कंजेस्टेड चीज नहीं है। यहाँ पर टेक ऑफ कर चुके हैं और प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में जाने वाली है। गाइस अपने आप को तैयार कर लीजिए क्योंकि अभी जो मजा आएगा वो 7 समुंदर पार ले जाएगा जी हाँ हम लोगों को। और यहाँ पर अबे तू प्लेन का ढक्कन खोलेगा कि नहीं खोलेगा? फ्रॉस्ट भाई आप ही ने बोला कि नहीं खोलना है भाई। अबे लेकिन तू कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं जल जाऊंगा? गाइस एक सेकंड, फर्स्ट पर्सन में देखे क्या अपन लोग? मेरे को जेन्युइनली देखो, ये देखो भाई जेट जेट से मैं जल के राख हो रहा हूँ। मामे गेट खोल दे, मजाक नहीं कर रहा मैं। फ्रॉस्ट भाई आपको भजिया पाव नहीं बनना है तो ये लो गेट खोल देता हूँ भाई। ओ ब्रो गेट खुल गई है गाइस, एंड अब स्पेसशिप जो है और भी ज्यादा फास्ट जा रही है। मतलब यार कूलनेस का अगर कोई मीटर होता ना तो डेफिनेटली चॉप नंबर 1 आता गाइस, क्योंकि इसका जो क्रिएशन है दैट इज लिटरली इंसेन। अबे गिरा दिया भाई, किसी तरीके से मैं अंदर आ गया। फ्रॉस्ट भाई आप गिरे कैसे? नहीं भाई मेरा पूरा प्लेन तोड़ दिया आपने एक साइड से, अब मरेंगे अपन दोनों और क्या भाई, हमारी किस्मत में ही क्या है। देखो कैसा नल्ला पायलट है। कोई बात नहीं गाइस, अब अबे अबे जाम हो गया मैं, अबे मदद कर दे। ओ माय गॉड यार तू तो अपने दोस्त को दुबा देगा ब्रो। फ्रॉस्ट भाई आपको प्लेन चलाना है तो मेरा टेस्ट कर लो भाई। ओके गाइस अभी हम लोगों के पास रिस्पॉन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ से मैं टेक ऑफ करा पाऊंगा क्या? ऑलराइट चलो कोई बात नहीं, अपन लोग यहीं से ट्राई करते हैं, लेट्स गो। अगर प्लेन ऊपर उड़ जाएगी तो मान जाऊंगा मैं, एंड यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, क्रैश हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी गाइस, हम लोगों को सीधा लेना पड़ेगा। चलो इधर से ट्राई करते, कम ऑन एक बार तो कर जा, अबे एक बार नहीं ठुकेगा भाई। रुको गाइस यहाँ पर हम लोगों को पहले दिशा कंट्रोल करने तो। अबे ये क्या ड्रिफ्ट क्यों मार रही है ये? फ्रॉस्ट भाई थोड़ा काम अभी बाकी है ब्रो, इसलिए इग्नोर करना। अबे यार तेरी प्लेन नहीं है ये, घोचड़ू चीज है, देख सीधा चलती भी नहीं है, हे भगवान। ऑलराइट गाइस नाउ इट्स टाइम टू हॉप इन एंड लेट्स गो फॉर अ राइड, क्योंकि अभी हम लोग फाइनली चला पाएंगे चॉप का प्लेन जो मैं इतनी देर से चलाना चाहता था। चॉप पता नहीं कहां मजे मार रहा है, अबे कितना टाइम लगाएगा तू? फ्रॉस्ट भाई मेरे प्लेन वापस करो, किसके परमिशन से आप चला रहे हो बताओ, मैंने आपको परमिशन दिया? अबे हंसी करेगा तू, तेरा दोस्त नहीं हूं मैं भाई, एक बार चला दे, बहुत मस्त लग रहा है, कूल लग रहा है मेरे को। ओके गाइस एक्चुअली
रियली में काफी कूल है यार, मेरे को मानना पड़ेगा भाई। इस बार तूने कूलनेस मीटर लिटरली सेट कर दिया भाई। अब मुझे नहीं लगता मैं इससे कभी भी कोई भी चीज कूलर देखा हूँ इस गेम के अंदर। और भाई कम ऑन, इस बार देखते हैं अपन लोग क्या उस सर्कल के बीच से निकाल पाते या नहीं। अभी सर्कल तो काफी दूर लग रहा है यार। और गाइस इसमें मल्टीपल जेट मोड चॉप ने रखे, यानी कि अभी जिस जेट मोड पे वो सिंगल थ्रस्टर है, और तो और अपन लोग इसमें क्वार्टर थ्रस्टर मोड भी एक्टिवेट करते हैं जिससे यार प्लेन बहुत तेज जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑल्टीट्यूड खो रही है, जल्दी क्वार्टर थ्रस्टर एक्टिवेट करो। और नहीं, अरे अरे भाई सेव कर लिया मैंने। फोस्ट भाई ये क्या करिश्मा देख रहा हूँ मैं, पहली बार कोई इंसान प्लेन को पानी में टच करके हवा में लेकर चला गया। अबे आई एम श्योर कि मैं पहला इंसान नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली अपन लोग बहुत लकी थे। गाइस आपने देखा क्वाडर जेट की पावर जो है बहुत ज्यादा इंसेन है। तो आई मेक श्योर कि मैं अपनी प्लेन के जो दोनों शटर है उनको बंद कर लेता हूँ यहाँ पर, और स्पेसशिप मोड में अपन लोग जितना चाहे उतना हवर कर सकते हैं यार बिना ग्रेविटी खोए हुए। एंड इट्स इनसेन ब्रो, व्हाट यू हैव क्रिएटेड इज टोटली अमेजिंग ब्रदर। मेरे को लगता है कि तू भाई 10 में से 10 डिजर्व करता है रेटिंग्स। गाइज आज अपन लोग नहीं देने वाले रेटिंग्स, मैं आपके हाथों छोड़ रहा हूँ। आप लोग जो है अपने रेटिंग्स डिसाइड करना, क्योंकि यार देखो मैं जो आपको रेटिंग देता हूँ ना तो वो मेरे को गाली देता है रिटर्न में, और मेरे को इसकी गाली नहीं सुननी यार। वीडियो खत्म होने के बाद बोलता है आपने मेरे को कम नंबर दे दिया, मैंने आपको ज्यादा नंबर दे दिया, ये वो फलाना ढिमाका। तो आई मेक श्योर कि यू गाइज टेक केयर अबाउट द रेटिंग्स। एंड हाँ, रेटिंग के क्राइटेरियाज मैं आपको बता दे रहा हूँ, लुक्स है, उसके बाद कूलनेस है, उसके बाद स्पीड है, और उसके बाद ड्यूरेबिलिटी है। तो 40 नंबर का टोटल यार रेटिंग होने वाला है, मेक श्योर करना कि आप कमेंट्स में बता दो। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।